मध्य प्रदेश और इंदौर की कोरोना की भेंट चढ़ाने वाले शिवराज सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को तलाश करके लाने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही गुलाम मंत्री एवं धोखेबाज महाराज भी कोरोना में मध्य प्रदेश के धकेलने के बाद सड़कों पर उतरना तो दूर की बात है। धोखेबाज सिंधिया इंदौर और सांवेर की कोरोना समस्याओं का समाधान करने के बजाय दिल्ली भाग खड़े हुए हैं। कोरोना काल में लापता रहे सिंधिया को तलाश करके इंदौर एवं सांवेर की जनता के सामने खड़ा करके जनता के सवालों के जवाब दिलाने पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सिंधिया के कुकर्मों का हिसाब जनता मांग रही है, लेकिन सिंधिया के स्वास्थ्य मंत्री लापता हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि इंदौर में सैकड़ों लोग शिवराज सरकार की लापरवाही से चिंताओं की भेंट चढ़े गए हैं। कोरोना से मौत होने के बाद भी लाशें चूहे खा रही है। एमवाई में लाशें सड़ रही है। शिवराज और महाराज सत्ता के नशे में मगरूर है। संपूर्ण मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल इमरजेंसी में अराजकता की भेंट चढ़ा दिया है। उपचुनाव जीतने के लिए सांची की जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश की जनता के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और इंदौर को कोरोना में झोंकने वाले स्वास्थ्य मंत्री एवं धोखेबाज सिंधिया को जनता कभी माफ नहीं करेगी। इतिहास पन्नों में जब भी कोरोना महामारी का जिक्र किया जाएगा, वहां लापता मंत्री एवं धोखेबाज सिंधिया की निष्क्रियता दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश और इंदौर को कोरोना में झोंकने वाले स्वास्थ्य मंत्री एवं धोखेबाज सिंधिया को जनता कभी माफ नहीं करेगी। इतिहास पन्नों में जब भी कोरोना महामारी का जिक्र किया जाएगा, वहां लापता स्वास्थ्य मंत्री एवं धोखेबाज सिंधिया की निष्क्रियता दर्ज